तो एक हमारी वोल्टास की वॉशिंग मशीन, इसमें प्रॉब्लम थी कि ये वॉश नहीं कर पा रही थी एक साइड को, तो इसमें हमारा जो मैकेनिज्म है वो ख़राब हो चुका है। तो अभी इसको करेंगे रिप्लेस और आपको बताएंगे कि कैसे रिप्लेसमेंट की जाती है मैकेनिज्म की। तो सबसे पहले हमने ये ऊपर का जो कंट्रोल पैनल रहता है इसको खोलना है, और जो हमारा पल्सेटर है उसको भी हमने खोलना है। तो पल्सेटर खोलने के लिए ऊपर एक स्क्रू रहता है, उस स्क्रू का उनको पहले खोल लेंगे। तो करो दस नहीं पहुंची, तो अभी जो स्क्रू कवर रहता है उसको खोलेंगे। तो हमारा पल्सेटर बाहर आ चुका है। तो सबसे पहले हम टॉप पैनल को खोलेंगे, इसके बाद फिर खोलते हैं हम मैग्नीशियम। इसके बाद हम टैप को बंद कर देंगे और पीछे से जो हमारी पाइप रहती है उसको खोल लेंगे, और वॉशिंग मशीन को एक जगह, इसमें हमारा जो बैक कवर रहता है इसको हमने खोलना होता है। इसके नीचे जो हमारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट रहते हैं उनको भी हमने खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा टॉप पैनल है उसको हमने बाहर निकालना है। तो ये हमारे यहाँ पे जो पुराने वाला मैग्नीशियम आप देख रहे हैं, तो अभी हम खोलेंगे वॉशिंग मशीन के इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। यहाँ पे एक लॉक रहता है, तो इसमें जो हमारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट रहते हैं उनको हमने खोलना है, क्योंकि जो हमारा टॉप पैन रहता है वो यहाँ से हमने उसको बाहर निकालना है। तो दोस्तों, वॉशिंग मशीन को जो कनेक्शन रहते हैं उनको खोलने से पहले आपने पूरा आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कनेक्शन कहाँ के लिए। मैक्सिमम टाइम तो वैसे कलर कोडिंग रहती है, लेकिन अगर कलर कोडिंग नहीं रहेगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी इस वॉशिंग मशीन को असेंबल करते टाइम इसके कनेक्शन करने के लिए। तो इसके लिए आप याद के लिए अपने फ़ोटो या इसका जो कुछ डायग्राम वगैरह जो आपने बनाना रहता है वो बना लेना है। उसके बाद ही वीडियो बनाने के बाद आपने इसको खोलना है, और तभी आपको इसको असेंबल करते समय फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो कभी भी आपने जब इसका कनेक्शन खोलना है तो इसकी एक फ़ोटो ज़रूर रखनी है कि कौन सा ये हमारा कनेक्शन कहाँ पे लगा हुआ था। तो अभी हम इसके लिए फ़ोटो रख लेते हैं, वैसे तो हमें पता है लेकिन इस फिर भी हम फोटो रखेंगे। तो अभी हमारे सारे कनेक्शन अलग हो चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारे टॉप पैनल से कनेक्शन रहते हैं वो अलग हो चुके हैं, और जो हमारे वॉशिंग मशीन मोटर के लिए जो और ड्रेन पंप के लिए जो कनेक्शन है वो हमने अलग कर दिए हैं। इसके लिए आप अपने आइडेंटिटी के लिए इसको आप याद रखने के लिए इसको कनेक्शन कर सकते हैं, जो जो वायर इकट्ठी जुड़ी हुई थी। यहाँ से अर्थिंग को भी हम खोल लेंगे, खोल रही ऊपर वाली अर्थिंग को। तो अर्थिंग को हमने खोल दिया, ऊपर के जितने भी कनेक्शन रहते हैं हमने सारे खोल लिए। अब ये लॉक रहते हैं, लॉक्स को भी हम इजीली यहाँ से ऊपर से दबाएंगे और नीचे की तरह इन तरफ इनको करेंगे तो ये बैठ जाएंगे, आराम से खुल जाएंगे। और ये हमारे जो कनेक्शन है वो सारे खुल चुके हैं। अब हम खोलेंगे ये हमारी जो प्रेशर पाइप रहती है, प्रेशर सेंसर के लिए इस पाइप से जो प्रेशर सेंसर है वो कनेक्ट रहता है, तो इसको भी हम खोलेंगे। यहाँ पे एक लॉक रहता है, इसको हल्का सा दबाने के बाद पीछे की तरफ खींच लेंगे और ये हमारा जो प्रेशर पाइप है वो खुल चुकी है। तो अभी हम टॉप पैनल को खोलेंगे, इसके लिए वॉशिंग मशीन को सीधा कर लेंगे पहले। तो इसको खोलने के लिए पीछे दो स्क्रू रहते हैं, उनको खोलने के बाद ये इजीली खुल जाता है। तो इनको
आपने तो अभी टॉप पैनल को बाहर निकाल लेंगे। तो जो हमारा टॉप कंट्रोल पैनल है वो हमारा बाहर आ चुका है। तो इस तरह से आप कंट्रोल पैनल को बाहर निकाल सकते हैं। तो अभी हम इसके बाद चाय पी लेंगे, हिमाचली चाय। ये दोस्तों आपको सिर्फ हिमाचल में मिलेगी, हिमाचल के जो कस्टमर रहते हैं वही आपको पिला सकते हैं। बाहर की जो सिटीज़ के कस्टमर है वहाँ आपको ये चाय नहीं मिलेगी। तो ये हिमाचल का ट्रेडिशन है। तो चाय पीने के बाद आपको दिखाते हैं। तो अभी हम टब को खोलेंगे। तो इसको खोलने के बाद हम खोलेंगे फिर मैग्नीज़म और फिर आपको दिखाएंगे इसको कैसे खोलते हैं और कैसे इसकी रिप्लेसमेंट बन की कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना दोस्तों। ये जो हमारा है ये आउटर टब है और ये हमारा इंटरनल टब है। जो हमारे कपड़े रहते हैं वो इस वाले टब में रहते हैं, पल्सेटर वगैरह। तो अभी हम इसको खोलेंगे। तो खोलने के लिए हमारी जो पन्ना है इसको हम यहाँ पे रखेंगे। और एक हाथ से इसको पकड़ेंगे तो हमारा खुल चुका है। थोड़ा सा हार्ड रहता है खोलने के लिए क्योंकि पानी की वजह से और जंग जो हमारा कचरा रहता है इसमें जाम हो जाता है। तो खोलने में थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है लेकिन इजीली खुल जाता है। तो इस तरह से इसको खोल लेना है। और नीचे किसके एक वाशर रहती है, इस वाशर को भी आपने निकाल लेना है। और अब आपने इसको टब को उठा लेना है लेकिन ऐसे नहीं उठेगा, हल्का से इसको जो इसमें जंग रहता है जो कार्बन इसमें आ जाता है उसकी वजह से ईजिली नहीं निकलता। तो इसको थोड़ा सा हम किसी हथौड़े से या किसी किसे चोट लगाएंगे। तो अभी हमने इस पर डाला हल्का सा हार्पिक, फिर देखते हैं और निकालते हैं इसको थोड़े टाइम के बाद। तो अभी हमने इसमें डाला था हार्पिक, अभी ये इसको हिलाते हैं और ये निकल गया। तो हमारा टब बाहर आ चुका है, टब को निकालेंगे बाहर। लेकिन उससे पहले हमारी जो एक पाइप रहती है ड्रेन पाइप, उसको हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है। तो इस क्लम्प को हमने खोलना है। तो इसको खोलने के बाद हमारी जो पाइप है वो बाहर, जो पाइप है वो कनेक्ट है बॉडी के साथ, वही बाहर नहीं आ रही थी। तो इसको इसमें फिर बोलेंगे तो उसको चलाने के लिए हल्का सा पेस्ट करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा। तो ये हमारी पाइप अलग हो चुकी है। तो अभी हम इसको करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। लेकिन एक लॉक रहता है यहाँ पे, इस टाई को हम तोड़ देंगे क्योंकि ये टाई खोलने वाली तो नहीं है, इसको तोड़ना पड़ेगा। प्लास या मदद से इसको तोड़ देंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो हम हमारे शॉकर रहते हैं इनको निकालना रहता है। तो ये निकाल लिए गए हैं इस साइड के और यहाँ से भी हमारा शॉकर बाहर निकाल लेंगे। ये शॉक कर रहते हैं उनको निकाल देंगे, शॉक निकाल देंगे।
तो दोस्तों ये इस वॉशिंग मशीन में हम करेंगे मैग्नीज़म की रिप्लेसमेंट। तो ये रहा हमारा नया मैग्नीज़म, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। जो सेफ्टी ब्रैकेट रहती है उसको हमने खोलना रहता है। तो इसके बाद हम खोलेंगे इसकी जो बेल्ट रहती है, वी बेल्ट। तो बेल्ट को खोलने के बाद हमारे रहते हैं चार स्क्रू जो हमारे मैग्नीज़म को होल्ड करते हैं इस प्लेट पे। तो इसको खोलेंगे, ये इसको खोलने के लिए हम स्लाइड रेंच का यूज़ करेंगे। तो खोलने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी चारों स्क्रू हमने खोल ली हैं। अब इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे और ये निकल आएगा। तो ये हमारा मैग्नीज़म है वो बाहर आ चुका है, जो कि हमारा ख़राब हो चुका था। तो अब नए वाले मैग्नीज़म को करेंगे इसमें रिप्लेस। तो मैग्नीज़म हमारा फिट हो चुका है, अब इसमें लगाएंगे स्क्रू। और फिर से असेंबल करेंगे वॉशिंग मशीन को। तो इस तरह से आप वॉशिंग मशीन का मैग्नीज़म रहता है उसको रिप्लेस कर सकते हैं इजीली। कुछ वॉशिंग मशीन में ये हमें पूरा खोलना पड़ता है, लेकिन इस वाली वॉशिंग मशीन में थोड़ा मैग्नीज़म को रिप्लेस करना इजी रहता है। एक हमारा और मैग्नीज़म आता है जिसमें ये पूरी प्लेट को भी रिप्लेस किया जाता है साथ में। और उसमें जो हमारा ऊपर जो एक चेक नट रहता है उसमें चेक नट नहीं रहता, चार उसमें गोटी नट रहते हैं। तो उसको भी हम बताएंगे आगे आने वाली इस वीडियोस में उसकी उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। उसको रिप्लेस करने के लिए हमारी सारी मोटर्स वगैरह पूरी हमें खोलना पड़ता है, और ये पूरी जो असेंबल जो बेस प्लेट है इसकी उसको भी साथ में ही रिप्लेस किया जाता है। तो अभी हम इसको करेंगे असेंबल और आपको दिखाएंगे आगे ये कैसे काम करता है, पूरी वर्किंग दिखाएंगे आपको। तो भी हमारे चारों स्क्रू मिल चुके हैं, तो भी हम लगाएंगे इसमें जो हैंड सेफ्टी कवर रहता है प्लेट, उससे पहले हम इसमें बेल्ट लगा देंगे। तो बेल्ट हमारी लग चुकी है, तो हम लगाएंगे सेफ्टी प्लेट जो सेफ्टी कवर रहता है हमारा इसका, उसको लगा देंगे। फिर इसको वॉशिंग मशीन में फिट करेंगे और आपको फिर आगे दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारा ये असेंबल हो चुका है पूरी तरह। ये जो आप देख रहे हो ये हमारी ड्रेन मोटर है, ये ऐसे काम करती है जैसे इसको हम सप्लाई देंगे 220 वोल्ट जैसे हम इसको कमांड देते हैं, तो ये जो रस्सी है इसको अपनी तरफ पीछे की तरफ खींचती है। तो ये हमारा ड्रेन बेलो रहता है, यहाँ से जो हमारा पानी है टब का सारा पानी यहाँ तक रुका रहता है, क्योंकि हमारी ये जो ड्रेन बेलो है ये पूरी इसके साथ सेट रहती है। जैसे ही ये हम इसको कमांड देते हैं तो ये हमारा ऐसे पीछे को खींचता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये गैप बन रहा है इसके बीच में, और यहाँ से जो हमारा पानी है वो ड्रेन हो जाता है। तो इस तरह से हमारे जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ये काम करती है, जो इसका पंप रहता है ड्रेन पंप ऐसे काम करता है। और जैसे ही हम कमांड को बंद कर देते हैं तो ये वापस अपने उसी पोजीशन पे वापस आ जाता है और ये पानी को फिर से रोक लेता है। तो अभी हम करते हैं इसको सेट अपनी वॉशिंग मशीन में। इसमें सस्पेंशन लगा दिया और अभी हम इसको लगा के फिर जाते हैं। तो अभी हमने वॉशिंग मशीन का जो आउटर टब रहता है जो इसमें हमारे मैग्नीज़म वगैरह रहता है मोटर रहती है उसको हमने फिट कर दिया। तो अभी हम जैसे आप देख सकते हैं इसमें मैग्नीज़म है जो हमारे आप दिख रही है, तो अभी हम इसमें करेंगे जो हमारा टब रहता है उसको फिट करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो कवर रहते हैं सारे कवर जितने रहते हैं जो हमारी चेक नट रहता है उसको भी लगाएंगे, सीट को फिट करेंगे। तो अभी हम इसमें टब को डालेंगे और इसमें ग्रुप्स बन रहे थे फ्रेंड्स, अब ये फिट हो चुका है। अभी इसके ऊपर एक वॉशर लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे चेक नट बस बस वॉशर। तो इसके ऊपर हम एक वॉशर लगाएंगे और उसके बाद एक चेक नट रहता है उसको भी हम फिट कर देंगे। यानी भाई जी ये पक्का बहुत नहीं पसंद प्रॉपर तो क्या पता है बीच आया टेबल भी थी क्या पता। तो अभी हम इसको करेंगे टाइट। अभी टाइट हो चुका फ्रेंड्स, तो अभी जो आउटर टब रहता है उसमें जो कवर रहता है उसको फिट कर देंगे, उसको स्क्रू लगा देंगे
पेचकस हमारा बाहर ही है, पेचकस प्लस इनको भी है का सेट को फिट कर देंगे। यहाँ एक वॉशर रहती है, उसके बाद हम सेट को इसमें फिट करेंगे। सेट हमारा फिट हो चुका है, इसको स्क्रू लगाते हैं। इसको थल्ले रखना है ये ऐसे आपको लगा कि आगे ज्यादा गाड़ी पीछे का ऐसे बताओ मैं तो ऐसे रख जाके हां मौसम तो हम कर रहे हैं इसकी कोई नहीं तो दो सबसे पहले मैं कुछ करना थी बाहर मत बस कितनी बार तुम तो जैसे कि हमने एक नक्शा दिया वो नक्शा में तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा मित्रों एक ऐसे ड्रॉ प्लस में राइट करते हैं मतलब मतलब जैसे आप देख रहे हैं एक दूसरे का नाम चाहिए उसको कलर करते समय बाजू और इसको राइट करो तो ये कार्बन ये भी तो इसको सब कुछ मोड़ इसका तो जैसे कि हमने जाने का तो थोड़ी देर में जैसे कि हमने ये ध्यान रखिए तो रेशन जो हमने भी समझ लिए टेप लगा दे इसमें भी लगा दे इसमें भी टेप टेप तो इसको एक नए तरीके से देखेंगे नया तरीका तो बोले नहीं बता नहीं जैसे कि हमारे छोटे मोटे वाले मूड रोड ठीक है तो मैं दीदी मैं गया नहीं दीदी वो क्या बात हम तो देख रहे थे चल नहीं ये चल नहीं था ये नहीं करते तो हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी हमने इसे हाथी को कनेक्ट करना है और बाकी सारे हमारे जो कनेक्शन हैं वो हो चुके हैं। इसके बाद हमें इसको यहाँ पे टाइट करना है, जैसे यहाँ पे टाइट करना है इसको देख मतलब सो सारे कनेक्शन को हमने पॉलीथीन में कवर कर दिए ताकि इसको अगर पानी वगैरह भी लग जाए तो इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। तो इसको हमने एक पॉलीथीन के अंदर रैप कर दिया है और हम इसमें लगाएंगे एक होल्डिंग लॉक। तो अभी सारी हमारी जितनी वायर्स हैं वो हमारी सारी होल्ड असेंबल हो चुकी है अच्छे से। तो अभी हम लगाएंगे जो हमारी प्रेशर सेंसर की पाइप रहती है बस। तो प्रेशर सेंसर की जो पाइप रहती है उसको भी हमने फिट कर दिया है। तो अभी हम जो हमारा ड्रेन पाइप है उसको फिट करेंगे, रहता है उसको पहले फिट कर लेंगे। उसमें जो स्क्रू रहते हैं उसको भी लगा लेंगे हम। एक कवर कर तो अभी हम टेस्ट करके आपको बताएंगे। पानी देना स्टार्ट हो गया वॉशिंग मशीन में। जब तक पानी भर जाता है फिर आपको दिखाते हैं इसके बाद इसकी वर्किंग।
आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस तरह से मैग्नीशियम को रिप्लेस किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा दूसरा ब्लॉग चैनल है जिसमें मैं आपको हिमाचल की टेरिटरी का जो भी सर्विस कैसे दी जाती है, एक के हाथ सर्विस देना कितना मुश्किल है।